नमस्कार, आज हम बनाएंगे पौष्टिक नमकीन दलिया। यह दलिया खाने में स्वादिष्ट, पचाने में आसान और सब्जियों से भरपूर पौष्टिक व्यंजन है। दलिया को तड़का लगाकर सब्जियां डालकर बनाया जाए तो यह बहुत मजेदार बनता है। इसमें सब्जियों के गुण होने के साथ दलिये के भी गुण मौजूद है, इसलिए यह एक संपूर्ण पौष्टिक आहार है। बताई गई सामग्री 4 लोगों के लिए काफी है। दलिया बनाने के लिए ये सारी सामग्री इकट्ठी कर लें। दलिये को 1 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दें और दलिये में डालने वाली सब्जियों को छोटे टुकड़ों में काट लें। सबसे पहले एक बर्तन में गाजर और मटर को उबाल लें। जब तक सब्जी उबलकर तैयार होगी, हम तड़के की तैयारी करेंगे। एक प्रेशर कुकर में देसी घी डालें, इसमें राई, जीरा, और प्याज डालकर 2 से 3 मिनट के लिए भून लें। अब इसमें लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर डालकर तड़का तैयार कर लें। अब गैस धीमे आंच पर करके सूखे मसाले डालें। अब इसमें नमक, धनिया पाउडर, हल्दी और गरम मसाला डालकर हिला लें। तड़के में हल्का सा पानी डाल दें, इससे तड़का बढ़िया तैयार हो जाएगा। अब इसमें दलिये का पानी अलग निकालकर सूखा दलिया डालकर मिला लें। इतने में गाजर और मटर उबलकर तैयार है। अब इसी बर्तन के गर्म पानी में कटी हुई शिमला मिर्च भी डालें और 4 से 5 मिनट में शिमला मिर्च भी नरम होकर तैयार हो जाएगी। इसमें दलिये से 3 गुना पानी डालें। इसमें दलिये से अलग निकाला पानी भी डाल सकते हैं। प्रेशर कुकर बंद करें और 1 सीटी लगवाएं। अब इसमें तैयार सब्जियां डाल लें और 2 मिनट पकाएं। इसमें ताजा धनिया पत्तियों को डालें और दलिया बनकर तैयार है। दलिये की सजावट धनिया पत्तों और साबुत मिर्ची से करें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कृपया मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल की बाकी वीडियोस भी जरूर देखें। धन्यवाद।